BSPMP and Chief Mayawati today said if action is not taken against Union Minister of State Sadhvi Niranjan Jyoti for her derogatory Ram Jadhav remark against the opposition, then this will give courage to anti-societal powers who want to spread communal hatred among people of a diverse yet united nation. तो जो उन्होंने लैंग्वेज बोली है, जो भाषा इस्तेमाल की है, और खास तौर से जो उन्होंने सांप्रदायिक जो भावना लोगों की भड़काई है, तो मैं समझती हूँ कि ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो ऐसी स्थिति में तो खास तौर से उनकी खुद ही ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, केवल खेद प्रकट करने से, माफ़ी मांगने से, या जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है और जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की है और जो लोगों की सांप्रदायिक जो भावनाओं को जो भड़काया है, तो इससे केवल काम नहीं चलेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ा, वो कमज़ोर हो रही हैं, और उसका असर ये हो रहा है कि दिल्ली में ही एक चर्च को जो है वो जला दिया गया, और चर्च के लोग यही कह रहे हैं कि इसमें कुछ तेल की बदबू आ रही है। जब उसको जलाया गया तो उससे ऐसा लगता है कि अभी तो दिल्ली में चर्च जली है, और इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करने से तो पूरे देश के अंदर जो विभिन्न मजहब को मानने वाले लोग हैं तो उनको भी काफ़ी खतरा है। सांप्रदायिक जो ताकतें हैं मजबूत होने से जो हमारी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं तो वो कमज़ोर होंगी। Powered by NNIS.